हेलो शिमला, दिव्य हिमाचल की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं कविता सिंह आशा भंडारी के साथ लेकर आई हूँ शिमला शहर की कुछ चुनिंदा खबरें। तो आइए करते हैं शुरुआत। रिपन अस्पताल में एक्सपायर हो गई लाखों की दवाएं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर भारत बचाओ संविधान बचाओ रैली। राजधानी में पर्यटकों की भरमार से होटलों में बढ़ी ऑक्यूपेंसी। होटलों में यादगार होगा नए साल का जश्न। शहर में नौ नए वाटर एटीएम की दौड़ के बीच मरम्मत को तरस रहे पुराने। एडवांस स्टडी की जेल का क्या है राज। अब समाचार विस्तार से। जोनल अस्पताल रिपन के जन औषधि केंद्र में लाखों की दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं। कारण यह है कि यहां पर चार माह से दवा की खरीदारी ही नहीं हो पाई है। केंद्र में दवा न मिलने से मरीज भी कम आने लगे हैं, जिस कारण सस्ती दवाएं रखे रखे ही एक्सपायर हो गई। गौर हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अहम योजना में जन औषधि योजना शामिल रही है। इसे लेकर दिव्य हिमाचल टीवी ने पड़ताल की, जिसमें क्या निकला आइए जानते हैं। यहाँ पे दवाई है, हर चीज की दवाई है। इस पूरे केंद्र को हम गौर से देखें, कैमरा पर्सन को मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे ले जाएं, ये खाली पूरा का पूरा जनौषधि केंद्र खाली है। न जाने प्रशासन क्यों इसको खाली रखे हुए हैं। मरीज आते हैं और मरीज जब ये सोचते हैं कि यहाँ पे खाली है तो बाकी दवाई भी नहीं ले जाते। और ये देखिए, ये सारी दवाएं हैं, आधी इस्तेमाल हो पाई है, आधी नहीं इस्तेमाल हो पाई है। और यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे प्लास्टर भी है, मतलब ये भी सस्ते दाम पे मिल सकता है। लेकिन ये कहाँ से मिलेगा जब सामने मरीज आए और उसे पता ही नहीं लग पाए कि स्टोर में कुछ भी नहीं है। मीटर दूर है जी। तो आपको यहाँ पे दवा मिली इस केंद्र में? नहीं, यहाँ कोई भी दवाई नहीं है। जब यहाँ दवाई मांगी जाती है तो ये बोलते हैं कि यहाँ कोई भी दवाई नहीं है, हमने ऑर्डर किया पर यहाँ कोई भी दवाई मांगी नहीं है। तो आपको फिर कहाँ से लेने जा रहे हैं आप ये दवाई? हम तो दुकान से लेते जी दवाई, जब यहाँ कोई दवाई उपलब्ध है ही नहीं तो ले। क्या नाम है आपका? सुदेश रानी। रानी जी, यहाँ पे आप दवा लेने आए हैं, आपको दवा मिली? हाँ जी, नहीं मिली जी। नहीं मिली? दवाइयाँ बाहर लिख देते हैं, यहाँ पे आपको पहले मिलती थी? पहले मिलती थी पर फिर भी बाहर की दवाई ज्यादा लिख देते थे, फिर मैं पैसे है नहीं, अपनी कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं तो मैली से हूँ, तभी सामान लगाती हूँ इधर, थोड़ा सा अपना गुजारा कर। दवा लेने आए हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे दवा के बारे में आपका क्या कहना है? हम दवाई यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। आप कई बार यहाँ आते हैं? हाँ जी। तो आपको दवा लेने फिर कहाँ जाना पड़ता है? नीचे काफी दूर है यहाँ से। यहाँ जनौषधि में आपको दवाई मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो आपको कितनी दूर जाना पड़ता है यहाँ से? बहुत दूर जाना पड़ता है। किस चीज़ की दवाई वगैरह? आँख की दवाई, सांस की भी? हाँ जी, सारे घुटनों में दर्द है। तो यहाँ की दवाई नहीं मिल रही है? नहीं। जन औषधि की, प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र है ये यहाँ पे दो हमने खोले जी, और एक नई बिल्डिंग में धरातल तल पर है जी, और एक पुरानी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे है जी। ये पुरानी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे आप जहाँ पे गए जी, यहाँ पे काफी समय से काफी एनोमलीज मेरे ध्यान में है जी, और सुचारू रूप से मैंने एक चिकित्सक को इसमें चिन्हित भी किया है कि मतलब उनकी ड्यूटी है, अगर इस तरह की चीजें हैं तो मैं आज उनसे पूछूंगा भी, और उनको उनके चार्ज में ये दोनों जनौषधि केंद्र हैं, वो जाके इसमें एक बारी देखेंगे। जिला अस्पताल रिपन और यहाँ पर दो जनौषधि केंद्र, लेकिन एक जनौषधि केंद्र में मरीजों को दवाएं जरा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जब दिव्य हिमाचल की टीम ने यहाँ पर एक छापा मारा तो यहाँ पे कुछ दवाएं एक्सपायर भी निकली, और इसे लेकर अस्पताल प्रशासन ने भी जांच के लिए कहा है। अब देखना यह है कि यहाँ पर दवाएं कितनी जल्द उपलब्ध हो पाती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दीपिका शर्मा। कांग्रेस ने शनिवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर भारत बचाओ संविधान बचाओ रैली भी निकाली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने स्थापना दिवस पर जनता को बधाई दी और कहा कि कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, जिसका आजादी में अहम रोल रहा है। कांग्रेस ने अहिंसा का रास्ता अपनाकर देश को आजाद करवाया है।
वहीं जयराम सरकार के दो साल के जश्न पर पूछे गए सवाल को वीरभद्र सिंह टाल गए। उन्होंने कुलदीप राठौर के काम पर संतोष जताते हुए कहा कि वह संगठन में सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। हिल स्क्रीन सैलानियों से गुलजार रही। शिमला के रिज और माल रोड सहित अन्य स्थलों पर दिन भर सैलानियों को मौज मस्ती करते हुए देखा गया। पर्यटकों की आमद से होटलों की ऑक्यूपेंसी रेट में भी उछाल आया है और यह वीकेंड पर 60-70% तक रिकॉर्ड की गई। जाहिर है कि इससे राजधानी में आर्थिकी को भी मजबूती मिली है। बर्फबारी की संभावनाओं के बीच न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी शहर में काफी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिस कारण व्यापार को नए पंख लगने की उम्मीद है। रहते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में शिमला ही ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ की चलो फेमस तो आपको पता है ही है सभी पहाड़ियों पूड़ियों। बाकी शिमला की ये है कि चलो हर एक साल में जैसे बर्फ वगैरह गिरती है, अभी भी हफ्ता पहले बर्फ गिरी है, हम तो सोच रहे थे कि अभी बर्फ होगी। अच्छा, सबसे बुरी चीज़ राजधानी में न्यू ईयर के जश्न को यादगार बनाने के लिए होटल पूरी तरह तैयार हैं। होटल व्यवसायियों ने पर्यटकों के इस अवसर पर कई इंतजाम कर रखे हैं। आइए जानते हैं क्या नया होने जा रहा है 31 दिसंबर की रात। और हमारा पर्यटकों को ज़्यादा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक हमारे पास आएँ और अच्छे से हम उनका मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करें अपना, और नए साल के उपलक्ष्य में जो भी पैकेजेस है कुछ नया उनको दें। हमारा डीजे नाइट होता है सर, लिकर्स पार्टी होती है, सारा पार्टीज रहता है, तो गाला डिनर होता है, स्पेशली डिनर फूड अच्छा मिलता है। तो ये होटल्स तैयारियों पर रहते हैं सर, होटल्स में यही सब कुछ हम पर्यटकों के लिए करते हैं। जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है तो सारे होटलों ने और रेस्टोरेंट ने अपनी अपनी तरफ से खूब तैयारियां की हैं टूरिस्ट के लिए। कई होटलों ने गजल रखा है, कई ने डांस का प्रोग्राम रखा है, कई सिंगिंग का प्रोग्राम रखा है, कई नाच गाना आएगा, तो पर्यटक खूब एंजॉय करेगा। हर होटल में हर सुविधा देगी और काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह भी रखे हुए टूरिस्ट के लिए, ताकि 31st को जो भी शो होएगा, डांस कॉम्पिटिशन होएगा, ड्रेस कॉम्पिटिशन होएगा, सबको अच्छी अच्छी गिफ्ट्स भी मिलेगी और सारे एंजॉय करेंगे। राजधानी में आम जनता की सुविधा के लिए लगाए गए वाटर एटीएम आउट ऑफ ऑर्डर चल रहे हैं। ओल्ड बस स्टैंड हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, अधिकतर स्थानों पर वाटर एटीएम शोपीस बनकर रह गए हैं। शहर में कुल 28 एटीएम हैं और नगर निगम 9 और लगाने की तैयारी में है। हालांकि खराब वाटर एटीएम रिपेयर के लिए अधिकारियों का मुंह ताक रहे हैं। इस विषय पर नगर निगम मेयर सत्या कौंडल का कहना है कि जल्द ही खराब वाटर एटीएम ठीक कर दिए जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम आम जनता को भी हो रही है, वाटर एटीएम तो खड़े कर दिए लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, मतलब उसकी मेंटेनेंस पे शायद अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर थोड़ा ध्यान दे मेयर यहाँ की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। जी बोलेंगे कि अगर शहर में जो एटीएम लगे उनको जल्दी से जल्दी जो ठीक करवाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 जो है एटीएम हमने पूरे शहर में लगा दिए हैं, 3 पहले थे, 9 हम और लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी एटीएम खराब होंगे उसको जल्दी हम जो है ठीक करवा देंगे। बस कर देंगे विद इन मतलब 15 डेज के अंदर जो है हम इसको ठीक करवा देंगे और नए भी लगाएंगे। मतलब नए लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जो खराब बने जो खराब पड़े हैं उनको तो जल्दी वैरायटी बेसिस पे जो है ठीक करवा दिया जाएगा। गेठी थिएटर में गेठी ड्रामेटिक सोसाइटी द्वारा शीतकालीन अभिरुचि कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को क्लासिकल डांस के टिप्स दिए जा रहे हैं। कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को छुट्टियों के दौरान अपनी हॉबी निखारने का मौका मिलता है। यह अभिरुचि कक्षाएं शिमला के बच्चों के लिए शीतकालीन अवकाश का सदुपयोग करने और उनमें नई ऊर्जा का संचार करने की दृष्टि से लगाई गई है। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के साथ लगते गेटी थिएटर में बच्चों के लिए हॉबी क्लासेस की सुविधा दी गई है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और हर दिन उन्हें कुछ नया नया सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं बच्चों से कि उन्हें इन क्लासों में क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ओके, आप आए, आप छुप रहे हैं पीछे, आ जाइए सामने। अच्छा लगता, क्या नाम है आपका? काशवी ठाकुर। आप डांसिंग करते हो, कौन सा डांस? ओके, क्या बनना है आपको बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है,
आइए आप ही आइए। क्या सीख रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे माइंड। क्या बनना है आपको बड़े होके? क्या कर रही और कुछ? हाँ ये बहुत मतलब मुझे इंटरेस्ट भी है और मैम को बहुत डांस करना नहीं आता था लेकिन मैम इतना अच्छा सिखाते हैं। मेरा नाम भव्या कौशिक है और मैं यहाँ पर क्लासेस लेती हूँ गेटी थिएटर में और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर सीखना। यहाँ पर हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना सीखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे? हमें यहाँ टू डांस सीखने को मिल रहा है क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी तो हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं, मैम भी अच्छे से सिखाते हैं। यहाँ पे गेटी में कंटेम्प्रेरी डांस एंड क्लासिकल डांस की क्लासेस ले रही हूँ। विंटर कैंप 1 महीने का कैंप है जिसके एंड में हमने प्रोग्राम प्रिपेयर करके स्टेज प्रेजेंटेशन देनी है और बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कंटेम्प्रेरी में ऑलमोस्ट 85 के करीब स्टूडेंट्स हैं और क्लासिकल के ग्रुप में 60 के करीब स्टूडेंट्स हैं एंड बोथ ग्रुप्स आर डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छे से बच्चे सीखे हैं, बहुत एंथुसियाज्म है इनमें सीखने के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि आर्ट एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट ने प्लेटफॉर्म दे रखा है, छुट्टियाँ भी यूटिलाइज हो जाती हैं और दे स्पेंड देयर टाइम इन डूइंग समथिंग गुड। शिमला में सुबह व शाम के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम कुछ ऐसा कि न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से शहर में पानी जमना शुरू हो गया है। जिला के ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान पहले से ही माइनस डिग्री में चल रहा है मगर बीते दिनों से शिमला में भी पारा तेजी से गिरा है जिस कारण हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि धूप खिलने से दिन के समय मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी दिनों के दौरान राजधानी में ठंड और जोर पकड़ सकती है। शिमला में ब्रिटिश काल के समय में बने एडवांस स्टडी की जेलों का क्या है राज? अंग्रेजों के समय आखिर क्यों बनाए गए थे यहाँ जेल के 10 से ज्यादा सेल? क्या यहाँ भारत के स्वतंत्रता सेनानी काट चुके हैं सजा? क्या है एडवांस स्टडी की इन जेलों का इतिहास और क्यों आज भी जेलों के सेल को जस के तस रखा गया है? अभी भी पर्यटकों के लिए क्यों बना है यह आकर्षण का केंद्र? इस पर प्रकाश डाल रही है शिमला से दिव्य हिमाचल की टीम। कई ब्रिटिश कालीन से यहाँ पे शोध भी किए जा रहे हैं लेकिन जो ये जेल यहाँ पे 8 से 10 ऐसी जेलें हैं जो अंग्रेजों के टाइम की है। क्यों बनाया जाता है? एक ये राज का राज है, सभी जानना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे अखिलेश जी जुड़ चुके हैं जो एडवांस स्टडी के पीआरओ है। सर दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे हम कि यहाँ पे एडवांस स्टडी में जो जेलें हैं कितनी यहाँ पे टोटल जेल है? मैं एक तथ्यात्मक त्रुटि की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जेलें नहीं है, सेल हैं। लगभग 8-10 सेल हैं जो किचन विंग एरिया में हैं। एक जैसे आप छोटी सी सेल आप यहाँ भी देख रहे हैं और ये उसी दौरान बनी थी जिस दौरान बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ था जब लॉर्ड डफरिन के जमाने में 1884 से लेकर 1888 के बीच में जब बिल्डिंग का निर्माण हुआ था उसी दौरान ये जेल भी बनी थी। ये सिर्फ प्रावधान था, जैसे कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के किले में भी प्रावधान हुआ करते थे कि कुछ कारागृह तरह की व्यवस्था रखी जाए तो इस तरह का प्रावधान यहाँ भी रखा गया था। लेकिन जहां तक जानकारी है ऐसा कोई विशेष इतिहास इन जेलों का नहीं है और न ही कोई स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी भारतीय कैदी बड़े भारतीय कैदी को इन जेलों में यहाँ पर रखा गया था। ये बहुत ही मिथक तथ्य मैंने अक्सर देखा है लोगों के बीच में कि एडवांस स्टडी की जेलों में कभी गांधी जी को रखा गया था या इस तरह की कोई घटना कोई ऐतिहासिक। आप डिनाई करते हैं इस चीज को कि यहाँ पे महात्मा गांधी हो या जो अंग्रेजों के टाइम में किसी ऐसे हस्ती को दंडित किया गया था? नहीं, ये जहां तक मेरी जानकारी है मैं कहता हूं कि है ना किसी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी बड़े नेता या कैदी को एडवांस स्टडी की जेलों में तो कम से कम नहीं रखा गया था, इतना मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं। तो जो यहां पे सेल बनाई गई है यहां पे क्यों बनाई गई थी, क्या मकसद उस टाइम था, क्यों दंडित किया जाता था यहाँ पे? जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया है सिर्फ प्रावधान था, एक प्रोविजन था। बाकी यहाँ पे कर्मचारियों को दंडित भी किया जाता था कुछ इस तरह से? अनुशासनात्मक कार्रवाई उस जमाने में अगर कुछ की गई होगी तो की गई हो लेकिन ऐसा किसी को कैद वगैरह का कोई जानकारी नहीं है इस बारे में।
तो इस तरह से फिलहाल यही हम बताना चाहते थे कि जो एक काफी समय से एक धारणा ये बनी थी कि अंग्रेजों के टाइम की जो एडवांस स्टडी में ये जेल के छोटे छोटे सेल बनाए गए थे, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दी जाती थी या कुछ इस तरह से, लेकिन जिस तरह से ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जेल सिर्फ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए बनाई गई थी और आज भी ये एक पर्यटकों के लिए भी काफी रोचक है। पर्यटक यहाँ पे आते हैं, फोटोज लेते हैं और जेल के जो ये सेल बनाए हैं इनके इतिहास को जानना चाहते हैं। शिमला से दिव्य हिमाचल के लिए अमन शर्मा के साथ प्रतिमा चौहान की रिपोर्ट। हेलो शिमला के बाद हम थोड़ी ही देर में फिर हाजिर होंगे प्रदेश की अहम खबरों पर आधारित दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन के साथ। तब तक नमस्कार।